हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसकी हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक इसे देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक को जो है वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी को आइए समझते हैं क्या होता है। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी को समझने से पहले हम वायरलेस नेटवर्क को समझते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एंड यूज़र्स को बहुत सारे कंफर्ट्स प्रोवाइड करता है। यानी जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं, बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं, हम यूज़र्स जो होते हैं, हमें जो है वायरलेस नेटवर्क जो है बहुत सारे कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। बट ये क्या होते हैं, इनकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जो भी कंफर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड यूज़र्स को वायरलेस नेटवर्क के द्वारा, वो हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जो आपकी इस वर्किंग के बिहाइंड जो है वो वर्क करती है। और इससे क्या होता है, इससे यूज़र्स को स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। यानी जब भी हम कोई भी वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस मान लीजिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, तब वो वायरलेस नेटवर्क जो है हम यूज़ करते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड करता है हर एक यूज़र को, लेकिन उसके पीछे जो आपकी वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल्स भी और टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी यूज़ की जा रही हैं और इनकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इस पूरे प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज़ को मिला के जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेबल कनेक्शन। यानी यूज़र्स को स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। डेटा पैकेट्स जो भी हमारी वायर्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं, वो आपकी प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू यूज़र्स। यानी यूज़र्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं डेटा पैकेट्स जो ट्रैवल करती हैं। डेटा ट्रैवलिंग थ्रू वायर प्रोबेबली नॉट हियर्ड बाय ईवेज ड्रॉपर। यानी अगर हम वायर का यूज़ कर रहे हैं तो डेटा पैकेट्स जो भी ट्रैवल करेंगी वो सिक्योरली ट्रैवल करती हैं, और ये जो डेटा पैकेट्स वायर के थ्रू ट्रैवल करती हैं वो आपकी जो भी थर्ड पार्टी है उसके द्वारा जो है वो कह सकते हैं कि वो ज़्यादा सिक्योर होती हैं, और ईवेज ड्रॉपर जो होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी होती है, वो एक्सेस नहीं कर पाती है उस डेटा को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम वायरलेस कनेक्शन की अगर हम बात करें, वो तो वायर था कि वायर में हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। डेटा जब ट्रैवल करता है तो वहाँ पे वायर में हमारा ईवेज ड्रॉपर जल्दी हमारे डेटा को हैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो वायरलेस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए हमें बहुत सारे एरिया पर फोकस करना होता है। कौन कौन से एरिया हैं, जैसे आइडेंटिफाई एंड पॉइंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क। यानी जो एंड यूज़र्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले वायरलेस कनेक्शन में, कि बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है वायरलेस कनेक्शन को सिक्योर बनाने का कि ऑथेंटिकेशन इसको प्रोवाइड किया जाए। ऑथेंटिकेशन मतलब कि ऑथेंटिकेटिव यूज़र, यानी ऑथेंटिकेट यूज़र जो है हमारे, जो आइडेंटिफाइड यूज़र हैं उन्हीं को हम एक्सेस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि हमारे वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से यूज़र्स जो है वो, उनको आइडेंटिफाई सबसे पहले किया जाता है, यानी ऑथेंटिकेशन किया जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस है प्रोटेक्टिंग वायरलेस डेटा पैकेट। जो भी वायरलेस डेटा पैकेट्स हम ट्रैवल करा रहे हैं, जो भी हम एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर रहे हैं डेटा पैकेट्स को वायरलेसली, वो हमारा प्रोटेक्ट रहे मिडिलमैन से, यानी प्राइवेसी प्रोवाइड करना दूसरा काम है हमारा सिक्योरिटी के टर्म में। यानी जब भी हम वायरलेस कनेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ऑथेंटिकेशन है, कि जो भी जितने भी यूज़र्स हमारे वायरलेस नेटवर्क के अंदर हैं वो सारे हमारे आइडेंटिफाइड होने चाहिए और सारे हमारे ऑथेंटिकेटिव होने चाहिए।
दूसरा हमारा काम है एक प्राइवेसी प्रोवाइड करना कि हमारा जो डेटा पैकेट ट्रैवल करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक हमारा जो ट्रैवल करेगा डेटा पैकेट वो सिक्योर होना चाहिए, वो किसी भी थर्ड पार्टी से हम उस डेटा को प्रोटेक्ट करें। तीसरा होता है हमारा एम इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मतलब कि हमारा जो वायरलेसली जो हम डेटा पैकेट्स भेज रहे हैं, कीपिंग द वायरलेसली डेटा पैकेट वायरलेस डेटा पैकेट इंटैक्ट, यानी उनको हम इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, यानी मैसेज में जो भी हम डेटा पैकेट भेज रहे हैं उसमें किसी तरह का चेंज ना हो। ठीक है, तो वायरलेस सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जाती है तीन चीज़ों से, ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वायरलेसली जब हम सिक्योरिटी वायरलेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी और इंटीग्रिटी। इसी टर्म में हमारा आता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी क्या होती है? अब हमें अगर वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट करना है, मान लीजिए हम एयर में या ओपन ऑथेंटिकेशन में या किसी जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर हम वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी का। ये यूज़ करता है RC4 साइफर एल्गोरिथम को। इससे हमारा जो भी हर एक डेटा पैकेट का हर एक फ्रेम इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी उसको सिक्योर किया जाता है, कोड किया जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि आपका क्या होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नेटवर्क सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में आप जाके समझ सकते हैं उसको। यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँगी कि इनक्रिप्टेड मतलब कि हम कोड को सिक्योर बना रहे हैं। तो यहाँ कोड को सिक्योर बनाने के लिए, यानी डेटा पैकेट को सिक्योर करने के लिए, हम हर एक फ्रेम को इनक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग RC4 साइफर एल्गोरिथम का यूज़ करके हम करेंगे हर एक डेटा पैकेट के हर एक फ्रेम को इनक्रिप्ट। ठीक है, RC4 साइफर जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है सर्वर साइड पे भी और रिसीवर सॉरी सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी, दोनों साइड पे हमारा ये डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। कौन? RC4 साइफर एल्गोरिथम। ठीक है, और यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स एज की कॉल्ड, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी की। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसे हम 802.1x या EAP भी कहते हैं। तो ये जो आपका हमने पहले यूज़ किया वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है ऑथेंटिकेशन था, उसमें ऑथेंटिकेशन जो है वायरलेस क्लाइंट का लोकली किया जाता है। ठीक है, बट अब अगर मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो गई तो वहाँ पे हम एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और यहाँ पे एक डेडिकेटेड ऑथेंटिकेटेड सर्वर जो है वो ऐड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और इसमें आपके तीन डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तीन डिवाइसेस कौन कौन सी? सप्लिकेंट, ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर। ठीक है, सप्लिकेंट जो होता है जो कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, यानी मान लीजिए डेटा को एक्सेस करना है किसी भी डिवाइस को, अगर वो डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए तो वो कहलाएगी सप्लिकेंट। ठीक है, ऑथेंटिकेटर कौन से होते हैं? डिवाइस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क्स, यानी जो हमारे नेटवर्क को प्रोवाइड करती है, एक्सेस प्रोवाइड करती है, वो डिवाइसेस कहलाएंगी हमारी ऑथेंटिकेटर। अब देखिए सप्लिकेंट और ऑथेंटिकेटर में डिफरेंस क्या है? जो हमारे डिवाइसेस को एक्सेस प्रोवाइड कर रही है वो ऑथेंटिकेटर है, लेकिन जो एक्सेस कर रही है वो है सप्लिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो डिवाइस दैट टेक्स प्लेस क्लाइंट क्रीडेंशियल्स एंड डिनाई और ग्रांट एक्सेस, यानी ये जो आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर होते हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक्सेस को ग्रांट भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं कि हम इस एक्सेस को आपको नहीं दे सकते हैं, ये डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो काम करते हैं वो ऑथेंटिकेशन सर्वर कहते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर। जो सबसे पहला होता है सप्लिकेंट, जो डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जो एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, जो डेटा हमारा ट्रैवल कर रहा है उसको एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं वो सप्लिकेंट हैं, जो एक्सेस प्रोवाइड कर रही हैं वो ऑथेंटिकेटर हैं, और जो एक्सेस को ग्रांट या डिनाई कर रही हैं वो ऑथेंटिकेशन सर्वर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है।
तो ये हमारा था वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में कि वायरलेस सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है वायरलेस सिक्योरिटी को, तो वायरलेस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है 3 चीज़ों से, ऑथेंटिकेशन, प्रिवेसी और इंटीग्रिटी से। और इसी में हमारा जब हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम 2 मेथड्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वायरलेसली। सबसे पहला वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी, और इसमें हम RC4 साइफर एल्गोरिथम का यूज़ करके सेंडर साइड पे डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट करते हैं। इससे हमारा डेटा सिक्योरली ट्रैवल करता है, ट्रांसमिट होता है। और सेकेंड हमने यूज़ किया एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को, जिसमें हमने 3 डिवाइसेस को यूज़ किया, सप्लिकेंट, ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो ये हमारा था वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।